मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। सबसे पहले तो डायरेक्टर के बारे में बोलेंगे कि काफ़ी सुनते हुए और साफ सुथरे डायरेक्टर लगे। फिल्म की कहानी के बारे में बोलेंगे कि एक बहुत ही अच्छी कहानी। खोटे सिक्के का मतलब है कि नेचुरली कुछ रास्ते से बेरास्ते हुआ लड़का, नौजवान लोग शहर में, और वो कहीं गांव में इकट्ठा होते हैं और किसी पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं, किसी मिशन के लिए इकट्ठा होते हैं, और वो अपने मिशन में कामयाबी हासिल करते हैं। कहानी बहुत रोमांचक है, बहुत सारे दौर हैं जिससे सबको गुजरना होता है, इसलिए इस वजह से ये कहानी और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। दौर की आपने बात की तो आपने वो भी दौर देखा है, और आज भी दौर चल रहा है जी। अब कुछ बयां करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो दौर हम लोगों ने कलर के युग में देखा दंगल फिल्म के बाद से, जैसे हमारी फिल्म थी पिया निर्मोहिया, पिया के गांव, अब ये सब फिल्में उस वक्त बनती थी। फिल्म इंस्टीट्यूट से आने के बाद हम लोग हीरो बन गए, और हीरो बन क्या गए, हिंदी फिल्मों में जगह नहीं मिलती थी। पता चलता था, लोग बताते थे 12 साल धर्मेंद्र ऐसे दौड़ते रहे, संजीव कुमार 13 साल तक ऐसे ऐसे घूमते रहे, तो एक एक सीन, दो दो सीन मिलता रहा, घबरा के भोजपुरी मिली और बस हीरो बन गए। अब बन गए तो ये होता था उस वक्त कि एक साल में 10-12 फिल्में बनती थी, निकलती थी, जिसमें आधी फिल्में ऐसी चलती थी कि वो लग जाने के बाद उतरती ही नहीं थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। आज के वक्त में ये सब तो नहीं होता है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, देश विदेश हो गया, सेटेलाइट हो गया, और मोबाइल के साथ हर जेब में हो गया, तो इतना बड़ा मार्केट तो हुई उस वक्त था ही नहीं। लेकिन उस वक्त का मार्केट ये था कि बैलगाड़ी से ट्रैक्टर पे लद लद के जब औरतें आती थी सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल के मैनेजर बोलते थे, सर आइए देखिए आपकी फिल्म का हाल, सुबह सुबह जो है ये इतना किलो चूड़ी जो है बॉक्स ऑफिस से टिकट खरीदने में ये औरतों के इकट्ठा हुए। तो वो दौर तो अब कभी नहीं हमको लगता है कि आएगा, लेकिन ये है कि घर घर में और जेब जेब में फिल्म घुस गई है, तो अब इसका क्या कर? स्टारों को प्रमुखता दिया जाता था। स्टार भी तो भाई बना है वो, और
जतन करके, स्टार मतलब एक मामूली बात नहीं होती है, हम लोग भी स्टार उस वक्त बने थे तो पता चलता था प्रोड्यूसर की गाड़ियां नहीं, कहां कहां से गाड़ी आ जाती थी, 5-7 गाड़ी हम लोग के आगे पीछे लग जाती थी। और वो दौर मैंने देखा है, क्या होटल का मालिक और क्या सिनेमा हॉल का मालिक और उसकी फैमिली सब आगे पीछे दौड़ते थे। तो वो दौर स्टारडम का तो बहुत देखा हम लोगों ने। लेकिन हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो स्टारडम इस तरीके का कुछ हो गया है, जो अब मुझे लगता है कि ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा, धीरे धीरे सब और लड़के आएंगे, ये आएंगे। स्टारडम इतना नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री ही बैठ जाए, अब इंडस्ट्री बैठने के कगार पे आ गई। जी, मैंने तो सबसे पहले कहा कि वो सुलझे हुए आदमी हैं, इस तरह का सब्जेक्ट लेके चले हैं कि उसी गांव से शहर जाकर के लड़के कुछ गलत रास्ते सही रास्ते क्या सीखा क्या नहीं देखा क्या नहीं जाना। लेकिन जो गांव में किसी एक मिशन से आते हैं, किसी भी एक बुराई से फाइट करते और फाइट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और ये डील अगर ठीक ढंग से होगा तो ये फिल्म चलेगी ही चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। राजकपूर शाही हुआ, सबसे पहले तो राजकपूर शाही की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। खोटे सिक्के एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया गया है कि अगर आपके अंदर ताकत है तो उसको सही वे में यूज करें, गलत वे में ना करें। तो ऐसे ही कुछ लड़कों की कहानी है जो पहले गलत होते हैं, काफी ताकत होता है उनके अंदर, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि इस ताकत को हमें सही यूज करना है और उस रास्ते पर चलते हैं और अपनी ताकत को सही यूज करते हैं। यही कहानी खोटे सिक्के। जी, इसमें मैं विलन हूँ, एक विलन मैं हूँ इसमें। हाँ सर, इसलिए सारी फिल्में ज्यादातर जो है वो विलन के रूप में ही किया है मैंने। देखिए, अलग इसलिए होगा क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, काफ़ी कम समय से जानता हूं मैं उनको, लेकिन जितना मैं जानता हूं काफ़ी सुलझे हुए हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। और जो भी फिल्म हम करते हैं तो हमारी सोच तो यही होती है कि फिल्म अच्छी चले, लोगों को पसंद आए। सबसे पहले मैं भोजपुरिया समाज को नमस्कार करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप यहाँ शरीक हुए इस कार्यक्रम में। और मैं बेसिकली मैं हूँ बिहार का, मोतिहारी शहर का, लेकिन मेरी जन्म धरती असम है, मैं वहाँ जन्म हुआ था, मेरा मेरी पढ़ाई वगैरह वहीं पे हुई थी। मैं प्रादेशिक भाषा में बहुत सिनेमा में मैंने काम किया था। फिर जब एक बार इधर आए घूमने, छठ पूजा थी, लास्ट ईयर की बात है, मेरे भाई साहब ने कहा तुमने इतना काम वहाँ किया, कम से कम यहाँ कुछ करके करो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कदम एक बढ़ाते हैं इसमें भी। तो कमांडो ऑन मिशन बोल के मैंने पहली फिल्म 28 जनवरी को इसी हॉल में उसका मुहूर्त किया। उसके बाद यहाँ से हम लोग शूट पे चले गए, नेपाल में शूट हुआ कंप्लीट उसका। अभी उसके कुछ गाने और कुछ सीन्स बाकी रह गए थे, वहाँ कंप्लीट हो नहीं पाए, लेकिन इसी शेड्यूल में हम लोग उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो खोटे सिक्के ये थीम था, मैं बहुत दिन से सोच रहा था इस थीम पे मैं काम करूँ। ये एक्चुअली कहानी बहुत पुरानी जमाने की कहानी है, मेरे बाप दादाओं के समय की कहानी है। मैं जब भी सिनेमा को देखता था मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह का सिनेमा मैं कभी करूँ कुछ एक मॉडर्न तरीके से। तो एक थीम है, थीम पुरानी है लेकिन उसको मैं एक नए तरीके से उसकी एक आउटपुट देना चाहता हूँ मार्केट को कि इस तरह की सिनेमा मेकिंग की जा सकती है। और ये गांव की कहानी एक्चुअली नहीं है, ये एक शहर में कुछ ऐसे आजकल के जो नौजवान हैं लोग कुछ गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, गांव छोड़ के शहर में बसने आ जाते हैं लोग, काम वगैरह नहीं मिलता, कुछ गलत धंधे में चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा है, एक रूपांतरण होगा कि शहर के लड़के भी गाँव में जाके गाँव का कल्याण कर सके, गाँव को शक्ति दे सके, गांव के लोगों में उत्साह भर सके और वो वहाँ में बसे, गांव को उस लायक बनाए कि किसी को शहर जाने की जरूरत ना हो। जो उनके बाप दादाओं ने खेती बाड़ी जो की, जो किसान है, किसान वर्ग से हैं, आजकल लोग अपने घर खेत खलिहान छोड़ के लोग शहर चले जाते हैं, घर वैसे वीरान हो जाती है और खेत खलिहान कोई और चला रहा होता है।
तो मैं इसलिए रुझान देना चाह रहा हूँ गांव की तरफ सबको आकर्षित हो और गांव में जो प्रॉब्लम हो उसको सब सॉर्ट आउट करें, चाहे वो मेडिकली हो चाहे वो किसी की आतंक हो, वो सभी से छुटकारा दिलाने के लिए सभी को कदम बढ़ाना चाहिए। इस सिनेमा को देखने के बाद मैं ये श्योर हूँ सब गाँव वालों में एक हिम्मत आएगी और सब कोई एक नए मतलब इसके तरफ नए दिशा की ओर रूपांतरण होंगे। अमित सर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, मेरे चमनी झाल छोटे से हैं, इसमें ही अपने आप में उलझा हुआ कहानी नजर आ रहा मेरे चमनी झाल छोटे से। ये छोटे से क्या है थोड़ा सा विस्तार से मैं बताता हूँ। सभी के घर में एक हर पिता चाहता है उसके बच्चे लोग सही हो, तो जो बच्चे लोग शहर जाके बिगड़ जाते हैं तो उसको घर के लोग कहते हैं ये लड़का नालायक हो गया, यह नकारा है, ये खोटा सिक्का है मेरा। लेकिन वो खोटे सिक्के जो थे जो गांव जो शहर में जाकर के गलत रास्ते में चले गए थे, जब वो गांव में आके सही सुलझा इंसान और एक इज्जतदार जिंदगी जीने की तरफ रूपांतरण हुआ और लोगों को भी उन्होंने उत्साह दिया, तब उन सभी माँ बाप माँ पिता जी का ये कहना है मेरे खोटे से जो सिक्के थे ना वो आज बदल के शेर हो गए। किरदारों की अगर बात करें, कलाकारों की बात करें तो उनको भी इसमें होगा और थोड़ा सा विस्तार से बताएं कलाकारों में राज कपूर साहिब जी है वो विलेन के किरदार में है, मेरे बगल में बैठे हुए हैं सुधाकर मिश्रा जी, ये भी नेगेटिव कर रहे हैं, और एक जाकिर भाई साहब हैं रक्सौल के हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं वो है। उसके अलावा तनुश्री अभी आई नहीं, आने वाली है, वो भी लीड में है। सद्दाम हुसैन लीड कर रहे हैं, मेरे इसमें 6 हीरो हैं, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कौन लीड है, सभी लीड है मेरे हिसाब से, बिकॉज वो 6 मिलके ही सारा काम करते हैं। तो इसमें मैंने कास्ट किया है उधारी बाबू को और गोरखपुर के एक यंग लड़के हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं लड़के, वो उनका नाम है दीपक यादव, सद्दाम है, और दो नए लड़के हैं, एक मेरे भाई वो आसाम से ही हैं, उनका नाम है ध्रुव नाम है उनका, वो आने वाले हैं, वो भी आएंगे इसमें। बस मैं नए टैलेंट को लेके ही काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ शायद मुझे इससे कोई एक बड़ा स्टार निकल जाए इसमें से भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए। एक्चुअली हम लोगों ने 2 लोकेशन फाइनल किया है, एक तो गोरखपुर बासी करने की सोच रहे हैं हम लोग और दूसरा सोनभद्र में करने की सोच रहे हैं मिर्ज़ापुर के पास, तो ये 2 लोकेशन में सोच रहा हूँ हम लोग शिफ्ट करेंगे। और एक्चुअली इलेक्शन के चलते हम लोग मुझे तो अर्ली करना था लेकिन मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया है, इसी महीने के लास्ट वीक से हम लोग सोच रहे हैं इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कामाख्या देवी को पूर्ण वंदना करता हूँ और आप लोगों का आभारी हूँ और यहाँ जितने उपस्थित हैं समस्त गण सबको मैं नमस्कार करता हूँ। ये कहानी छोटे सिक्के हैं, जैसे हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत रहता था यूपी का मलतहा सिक्का एमपी में जाके फंस गया, तो उसी हिसाब से होता है जब इंसान को जो अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है कि सब सही क्या है और गलत क्या है, जिस दिन उनको ये आभास हो जाता है तो सही रास्ते पर हो जाते हैं और समाज और देश के लिए अच्छा कार्य करते हैं। यही एक कहानी का उद्देश्य है और इसमें हमारे डायरेक्टर साहब अमित शादाब जी जो कि राइटर डायरेक्टर हैं, बड़े सौभाग्य की बात है कि इन्होंने दोबारा मुझे कास्ट किया और उस लायक हमें समझा कि इनके साथ पुनः दोबारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस फिल्म के विलेन हैं राज कपूर शाही जी, हीरो हमारे सद्दाम जी, तनुश्री और जाकिर भाई, यही सब है। पोस्टर के बारे में ये है कि ये तो किरदार है आपको समझ में आ रहा है, मैं इसमें पॉजिटिव रोल भी कर रहा हूँ इसी में, वो मैं स्टोरी में आपको पूरा बताना नहीं चाहता एक्चुअली क्योंकि छोटी स्टोरी है, समझदार आदमी समझिए आजकल की दुनिया में तुरंत समझ जाएंगे स्टोरी को, मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ। बस ये है कि ये लोग नेगेटिव कर रहे हैं, बाकी पॉजिटिव में है, सभी को तो मैं नहीं डाल सकता पोस्टर पे, और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत कलाकार हैं, जिसमें एक हीरोइन है जो भी आई नहीं है यहाँ पे, मनीषा गुप्ता नाम है उनका, वो आई नहीं है, वो वीरगंज की है, वो उसने पहले ही मूवी मेरी कमांडो में उसने लीड किया था और आने वाली हैं, सब आपको मालूम चली जाएंगे विस्तार में। थैंक यू। जी,
जी, सबसे पहले भोजपुरी समाज को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ, घर मेरा रक्सौल बॉर्डर बीरगंज का रहने वाला हूँ मैं। और इससे पहले मैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में 27-28 फिल्म लगभग मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर तक काम किया हूँ। पिछला 6 महीने पहले एक फिल्म हम लोग किए थे कमांडो ऑन मिशन, मेरा पहला फिल्म वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। और दूसरी फिल्म अपना ये खुट्टा सिक्का का आज मुहूर्त है और जितना जल्दी हो सके शूटिंग की तैयारी में लगे हुए हम लोग। जी अब तो पहले तो हीरो ही बनने आया था, लेकिन आने के बाद पता चला कि क्या होता है एग्जैक्ट में, हीरो का मतलब क्या होता है समझने में लग गया 5-6 साल। फिर भी कोशिश किया, मेहनत किया, सारे लोग का सपोर्ट रहा, दोस्त का, यार का, अभी जितने टेक्नीशियन हैं अपने इंडस्ट्रीज में, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, पर्सनली जानते हैं, काम करने की रिलेशन बन गई। रिलेशन बनने के बाद में आज जो भी सौभाग्य मिला अमित सर का, जो मुझे लॉन्च किया पहला फिल्म कमांडो ऑन मिशन में, और उन्हीं के हाथ से फिर दूसरा फिल्म में करने जा रहा हूँ, सौभाग्य की बात है सर। इस फिल्म में सर देखिए 5-6 अपना करेक्टर है जो कि 5 अपने पॉजिटिव हैं और 5 का अपना अहम भूमिका है। 5 मतलब हर एक किरदार अपने में खुल के अलग अलग, मतलब समझिए कि 5 के 5 अपना अहम किरदार है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, मैं भी इसमें से लीड कर रहा हूँ। मतलब हाँ, डायरेक्टर साहब राम भरोसे है जो बना दें लेकिन इतना भरोसा है जो बनाएंगे बहुत अच्छे बनाएंगे। हाँ जरूर सर, विट्स तो अब आज के ज़माने में सब लोग चाहते हैं कि मतलब बड़ी पर्सनालिटी हैवी हो, स्मार्ट लुक हो, डांस अच्छा हो। अब हम लोग वही कोशिश रहता है जितना समय मिलता है भाग दौड़ से, वो हम लोग मेहनत करते हैं अपने मतलब बॉडी पे, जिम पे, जो भी है जहाँ तक सकते हैं वो कर रहे हैं हम लोग। अब प्रिपरेशन है कि इसमें मेरा मतलब इतना रफ करेक्टर है, उसी हिसाब से मैं भी थोड़ा ढलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस वही तैयारी है सर अपनी। जी अब सद्दाम हुसैन सर एक्चुअली क्या है कि मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम है। अब जन्मते हुए जो चीज़ मेरे मतलब माँ अब कर्म तो जिस समय मेरा सर जन्म हुआ ना उस टाइम का तो 1992 का वो मतलब सद्दाम हुसैन ने हीरो, बाद में उससे दुनिया क्या साबित किया वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन उस टाइम का वो हीरो थे। लगभग 1992 में जितने लोग शायद हुए हैं 50% नाम सद्दाम ही मिलेगा आपको, उस टाइम का मेरा भी जन्म है, इसलिए मेरा माँ बाप बहुत प्रेरित है उनसे और मेरा नाम रखे। मैं नहीं चाहता कि जी बहुत बाबू माँ के हमको वो लगा था नहीं, हमारा नाम उधारी बाबू और हमें फिल्म के हिस्सा बनी देख सकें दुआ हम मुझे बनी और निकलवाना हम मेरे चवन्नी छाप खोटे सिक्के। तो ये हमने के जितना लड़का होला सब अपने बाप खाती चवन्नी छाप खोटे सिक्के, लेकिन लास्ट में होला कि शेर हैं। तो कहानी आप लोग समझ गए होंगे और हम लोग अपने डायरेक्टर साहब पे चवन्नी छाप हैं और बाकी सब बाकी हम लोग अपना काम चवनी छापल कर रहे हैं। कुछ आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से? सर हर फिल्म से आशाएं होती हैं हर इंसान को, जितना मैं अभी 2 फिल्म कर चुका हूँ, एक बलिया के दबंग जो मेरी बेस्ट डेब्यू फिल्म थी वो, और दूसरी भी बिटिया छठी माई के जो मुंबई में लगा हुआ अभी यश कुमार जी के साथ में। तो इस फिल्म के हर जो फिल्म करता हूँ उससे आशाएं मेरी बढ़ती जाती हैं और हर एक सीढ़ी होती है मेरे लिए। मैं ये सोचता हूँ कि सीढ़ी हो और एक एक सीढ़ी चढ़ के मंजिल तक पहुँचे के बाद मेन हमारी यह आशा रहेगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मैं हूँ तनुश्री चैटर्जी, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप लोग हमारे इस मुहूर्त पे आए, इतना टाइम निकाल के थैंक यू एवरीवन, सब मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया एंड जो भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। आपको भी खुशी हुई आपको देखकर, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी मिली खोटे, हम लोग आई थिंक मे बी पहले खोटा सिक्का ही था, उसके बाद अब जाके थोड़ा बहुत 1 रुपया भी शायद नहीं बनी हो, लेकिन हाँ बट ये खोटा सिक्का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा है एंड सद्दाम इसके लीड कैरेक्टर है, इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, हम लोगों ने इसके पहले 2-3 फिल्म में भी किया है बट नॉट एज अ कैरेक्टर्स, ये असिस्टेंट में थे और उस वक्त काफ़ी मेहनत करते, वेरी हैप्पी फॉर हिम कि इतना मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, कॉन्ग्रेचुलेशन एक्चुअली। कैरेक्टर रहता है उसके पहले हमको स्टडी करना ही पता चाहिए, मेरा कोई भी कैरेक्टर हो, बट इस कैरेक्टर की बात करूँ तो थोड़ा सा क्या बोलो उसको, बोल्ड कैरेक्टर आप कह सकते हो, बहुत चुलबुली कह सकते हो, बहुत ही ओवर माइंड या क्या बोलो ओपन माइंड भी कह सकते हो, मतलब इतनी बिंदास लड़की, शॉर्ट में कहो तो बिंदास लड़की, बबली गर्ल का कैरेक्टर है कि आपको कुछ भी बोल सकती है एनी टाइम पे। आप
आपको इनको एक्चुअली सद्दाम को कैसी केमिस्ट्री अगर अमित भाई की बात करें क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके साथ पहले मेरे कॉन्टेक्ट हुआ था ना कमेंडो के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म हम लोग नहीं कर पाए थे ऐसे भी वो फिल्म भी बाकी बाद में करेंगे तो उसके पहले ये फिल्म अभी हम लोग शूट करने जा रहे हैं कोटा सिक्का तो तब उनसे मेरी बात हुआ था तो बस वहाँ से कॉन्टेक्ट चालू है जी ये तो मतलब बहुत खुशी की बात है मेरे लिए मैं जिनके साथ मतलब तीन फिल्म असिस्टेंट में किया हूँ मैं अब काफ़ी सारा मतलब मैं सीखा हूँ एक्चुअली मैं देखिए मैं एक्टिंग सीखा हूँ तो कहीं सेट से ही सीखा हूँ सारे आर्टिस्टों के साथ में जब मैं डायलॉग प्रॉम्प्ट करता था या सिखाता था जो भी होता था कैसे एक्टिंग कर रहे हैं कैसे प्रॉपर डायलॉग्स बोल रहे हैं सीखा मैं वहीं से हूँ तनुज जी के साथ मैं तीन फिल्म किया बहुत अच्छा लगा और आज मतलब इनके साथ मैं जिनके साथ असिस्टेंट करता था और आज उनके साथ अब फिल्म करने जा रहा हूँ मुझे तो खुशी की बात बहुत दिल से खुशी निकल रही है और खुश भी हूँ मैंने तनुश्री का जब नाम सुना पहले तो मैंने यूट्यूब में खोला इनकी सारी सिनेमा मैंने सर्च मारा मैंने इनको देखा इनकी क्वालिटीज देखी फिर मैंने मेरे करेक्टर के साथ इनको मैच किया मैच करके मुझे लगा शी इज द राइट गर्ल फिर मैंने अपने असिस्टेंट को बोला इनको कांटेक्ट करो ऑलरेडी इनसे मेरी कांटेक्ट हो चुकी थी पहले ही तो मैंने जैसे ग्राफ किया इनको शी इज परफेक्ट फॉर दैट नहीं सॉरी यस यस राइट थैंक यू नहीं सर मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ ये तो आप लोग का प्यार है कि प्रोड्यूसर बना दिए मुझे मैं प्रोडक्शन का काम करता हूँ और आज भी मैं प्रोडक्शन का ही काम कर रहा हूँ प्रोड्यूसर का काम वो प्रोड्यूसर आप ही हैं तो ये मतलब अमित जी की मेहरबानी है कि मतलब मुझे कुछ अलग ही भार दिए ठीक है करेंगे वो भी करेंगे प्रोडक्शन के साथ में मुझे मतलब नए टैलेंट का वो पहला चांस मिला काम करने के लिए इसलिए बहुत आभारी हूँ मैं खुल पहली बार खुल पहली बार बैठे हैं ना नर्वस महसूस कर रहा है थोड़ा बिल्कुल प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app. And never miss another update.